दोस्तों आप सभी का इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं लुधियाना कृषि मेला के अंदर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 मेस ने एक नया एम्प्लीमेंट से एग्रीकल्चर के लिए निकाला है, जिसका नंबर है 10 मेस 711 सुपर सीडर। ये रोटावेटर की तरह आपको सामने से दिखाई देगा और उसके ऊपर जो है बीज बोने वाली मशीन लगी हुई है, लेकिन ये सुपर सीडर इसका नाम क्यों रखा गया इसके बारे में हम कंपनी से पूछने जा रहे हैं और ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या इसका प्राइस है, इसके बारे में सारी डिटेल हम 10 मेस कंपनी से लेने जा रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? रोहित अरोड़ा। रोहित अरोड़ा सर, ये जो सुपर सीडर निकाला इसका प्राइस वगैरह बताओगे हमें? प्राइस सर इसका कस्टमर प्राइस 245,000 रुपये। 245,000 रुपये। सब्सिडी वगैरह इस पे वैलिड है? सब्सिडी 50% सब्सिडी है इस पे। 50% सब्सिडी है। अच्छा सर, ये किस तरह से वर्क करता है, कितने फुट का ये, कितने इसमें ब्लेड लगाए हैं आपने? सर इसमें जो है 54 ब्लेड लगाए गए हैं और इसमें जो पहले 7 फुट के रोटावेटर के ऊपर तैयार किया गया है। अच्छा, पहले क्या था कि हैप्पी सीडर बनाते थे, सिर्फ थाने लगा के और ऊपर हैप्पी सीड ड्रिल लगा दी, और इसमें क्या है कि रोटावेटर के ऊपर सीड ड्रिल लगाई है प्लस पीछे तवियां लगाई हैं। इसमें क्या है, रोटावेटर जो फाने होंगे धान के उनको पहले क्रश करेगा, उसके बाद में उसको मिट्टी में मिक्स करता रहेगा और ये सीड ड्रिल दाना गेहूं बोती रहेगी। इसका ये मेन पर्पस है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आग नहीं लगानी पड़ेगी बिल्कुल भी। हैप्पी सीडर का जो भी कमियाँ थी वो सुपर सीडर में पूरी करी है हमारी कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात, 10 मेस कंपनी सबसे पहला सुपर सीडर बनाने वाली कंपनी है। इससे पहले किसी भी कंपनी ने वर्ल्ड लेवल पे किसी ने सुपर सीडर नहीं बनाया अब तक। इसका इसका जो वजन है हैवी रखा गया है, ज़्यादा 9 क्विंटल वजन है इसका, और 54 ब्लेड इसमें लगाए गए, जिससे क्या है काम बहुत अच्छे से करता है। ब्लेड 54 लगाए हैं, 7 फीट वाले में भी 54 ब्लेड है। 7 फीट वाले में वैसे रोटावेटर में 48 ब्लेड भी आते हैं, पर इसमें 54 ब्लेड लगाए हैं। हाँ जी दोस्तों, मतलब सर ने हमें बताया कि इस रोटावेटर के साथ ना जो पीछे है, ऊपर तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि इसके ऊपर गेहूं बोने के लिए जीरो ड्रिल मशीन लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे तवियां लगाई गई है जो हमारी जो धान काटने के बाद जो हमारा अवशेष बचता है, जिसे हम लोकल में फांस भी कह देते हैं या पराली बोल देते हैं, जो भी अवशेष बचता है वो आगे से रोटावेटर उसको मिक्स करेगा, जो बच गया उसको जो नीचे फाने लगे हुए हैं वो इसके नीचे मिक्स कर देंगे, उसके पीछे से जिसके ऊपर जीरो ड्रिल लगाई गई वो धान धान मतलब जो गेहूँ हम ऐसे बोएंगे वो इसको बीज को हमारी बिजाई करती चलेगी। तो हम इसको ना एक बार कैमरा निकाल के आपको पीछे से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको किस तरह से बनाया गया है। देखो दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, रोटावेटर के पीछे जो एक रोलर लगाया गया है वो रोलर इस मिट्टी को बिल्कुल प्रेस कर देता है, और वो मिट्टी प्रेस करने के बाद उसके पीछे जो तवियाँ लगी गई है वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे 10 मेस वाले रोटावेटर में ना आपको दोनों साइड में तवियाँ लगाई हुई मिलेगी, इस साइड में भी है और उस साइड में भी है। इसके बाद हम आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करते हैं रोटावेटर को, जो तवी है उसका क्या काम होगा। जैसे इसके पीछे डबल तवियाँ लगाई गई हैं, जो नहीं आगे से बंद है और पीछे की साइड से खुली हुई है। ये आपको दिखाने की कोशिश कर देंगे, आगे की साइड से बंद मिलेगी आपको, ये इधर से सारी बंद दिख रही है। जैसे ये देखो, जो आगे तवियाँ लगाई गई हैं और इसके बीच में जीरो ड्रिल को एडजस्ट किया गया है, यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। इन तवियों का काम जो ये होगा कि जैसे हमारे जो अवशेष कटे कटने के बाद जो अवशेष बचेगा फसल का, ये उसके अंदर से इसको दबाती रहेंगी और जीरो ड्रिल सीड्स के लिए इसके लिए स्पेस बनाती रहेंगी, अंदर से चौड़ी हो जाएगी और चौड़ी होने के बाद हमारा जो बीज ड्रिल है वो ऊपर नहीं रहेगा, वो जीरो ड्रिल सही से काम कर पाएगी और नीचे जाता रहेगा। इसके अंदर जो अलग से आपका दिख रहा है कि 11 ड्रिल्स इसके ऊपर लगाई गई है खाद और बीज के लिए। इसलिए आप सब्सिडी चाहोगे तो सब्सिडी आपको इसके अवेलेबल होगी। एक बार खोल देना ऊपर से, ये अंदर से भी आपको दिखाई दे सकते हैं कि ये एक खाद के लिए इसमें और एक बीज के लिए। मैं नहीं कह रहा, और पीछे से मशीन के साथ साथ जैसे हमने एक बार अगर रोटावेटर निकालना है तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, अगर हम इसको डबल करना है तो इसको दूसरी बार में इसको चला लेंगे। ये यहाँ से पहिए को लॉक कर दिया जाता है ऊपर उठा करके, ताकि पहिया ना घूमे, जीरो ड्रिल से ना घूमे। जब हमें खाली रोटावेटर का यूज़ करना है तो इसको लॉक कर देंगे, अगर हमें सीड ड्रिल का यूज़ करते इसको ओपन कर देंगे। काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंट्स कंपनी बना रही है यूज़ करके देखो, और वर्ल्ड में सबसे पहले दावा करी है 10 मेस कंपनी ने इसको बनाया है सुपर सीडर को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।